मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम से। एमएनएस के विधायक राजू पाटिल के बेटे आदित्य पाटिल की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें उन्हें मामूली रूप से चोट लगी है। कल रात 11 बजे के आसपास ये भयानक हादसा हो गया। ये हादसा पलावा रेलवे पुल जो नीलाजे और दतावली स्टेशन के बीच में है, वहाँ पर हुआ है। इस ब्रिज से कार चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और सीधा कार ब्रिज से नीचे रेलवे पटरी पर जा गिरी। आपको बता दें कि इस कार में एमएनएस के विधायक राजू पाटिल के बेटे आदित्य पाटिल बैठे थे और चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया। ये वही ब्रिज की तस्वीरें हैं जहां से ये कार नीचे पटरी पर जा गिरी है। बताया जा रहा है कि यहाँ सुरक्षा दीवार नहीं है और अगर सुरक्षा दीवार होती तो शायद ये कार नीचे रेलवे पटरी पर नहीं जाती। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त ये कार रेलवे पटरी पर गिरी, उस वक्त कोई ट्रेन वहां से नहीं गुजरी, वरना एक बड़ा हादसा हो जाता। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक बीके चौरे, सहायक पुलिस निरीक्षक आंध्रे अपनी टीम के साथ पहुंच गए और घटनास्थल के दोनों तरफ के स्टेशनों को इसकी जानकारी दी और रेलवे पटरी से कार को हटाया गया। पटरियों का निरीक्षण करने के बाद रेल यातायात दोबारा शुरू कर दी गई। राजू पाटिल के बेटे आदित्य पाटिल और चालक को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।